अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अ ड्रेस बाय शेंटल, और शेंटल बाय बारूक है, एक्चुअली इनका बारूक का कलेक्शन है शेंटल। तो ये एक्चुअली ड्रेस काफ़ी पुराना है, बट ये रीस्टॉक हुआ है और हमने आई थिंक 2-3 टाइम इसको स्टिच किया है। बारूक और जैस्मिन के सूट जो हैं वो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं और लोग बहुत, जितने भी पुराने हो जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो हमने इसको स्टिच किया है, 2 स्टाइल में स्टिच हुआ है, हमने इसको स्टिच किया है लहंगा स्टाइल एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके जी, एम्ब्रॉयडर्ड नेट का लहंगा है और बहुत अच्छी बात ये है, मैं जितनी भी अभी वीडियो शेयर करी उनके लहंगे का फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। ये सारे पैनल्स अटैच किए हैं और यहाँ से यहाँ जो है ये पैनल हैं, आई होप के नज़र आ रहे हो। तो ये फ्रंट का फ्लेयर जो है मिनिमम 70 इंचज़ है, और इसके बाद जो है ये एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है नेट का, जो हमने यहाँ सिलाई के साथ लगाया है। सिले हुए ड्रेसेस देखने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आपको पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कैसे, मतलब कहाँ अटैच की है, क्योंकि वो एक ही पीस लग रहा होता है। तो ये बहुत नीटली यहाँ से सिलाई के साथ लगा है और ये जो है उस वजह से लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, बैक थोड़ा डिफरेंट है, बैक जो है इस तरह से बूटी वाला है, और ये बॉर्डर जैसे फ्रंट का था वैसे ही बैक का भी है, और बैक पे भी सारे पैनल्स डाले हैं, और फ्लेयर इसका अच्छा खासा है। लाइनिंग इसके साथ इंक्लूड नहीं थी तो हमने इसको कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगाई है। अच्छा, इस ड्रेस को हमने पहले भी स्टिच किया था। इस ड्रेस का एक छोटा सा मसला ये है कि ये पिक्चर में पिंक लग रहा है, और हमें भी जब तक हमारे पास आया नहीं था तो लग रहा था कि पिंक है, लेकिन जब मिला तो इट्स अ लाइलैक शेड, पिंक से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे कम ड्रेसेस होते हैं जो कि पिक्चर में अलग लग रहे होते हैं, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ये है, तो लाइलैक या मूव सा शेड है, बट पिंक बिल्कुल भी नहीं है पिक्चर में, जबकि पिंक लग रहा है। तो ये लहंगा हो गया। उसके बाद इसका ये ब्लाउज़ या जिसको चोली कह दें, ये है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही हुई है, और ये है, ये छोटा सा बॉर्डर है, इसको सिलाई के साथ लगाया है, और फिर ये एम्बेलिशमेंट्स हैं, पर्ल बहुत ही करीब से जो है पर्ल लगाए हैं, ये कस्टमाइज एम्बेलिशमेंट्स होती हैं। साइड पे इसके ज़िप लगाई है ताकि इसको पहनने में आसानी हो, और ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, स्लीव्स के एज पर भी जो है इस तरह से पर्ल्स लगाए हैं, बैक इस तरह से है। ब्लाउज़ जो है वो थोड़ा सा फिटेड ही हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये शॉर्ट लेंथ होती है, तो बैक पे इस तरह से करीब बूटियां हैं। ये ब्लाउज़ हो गया, और उसके बाद है ये इसका नेट का दुपट्टा। अच्छा, इसके दुपट्टे पर जो है वन साइड पर कटवर्क करवाया है, ये इस तरह से स्कैलप हैं, और फिर उसको बहुत ही करीब पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट हुई है, और फिर इसकी लॉन्ग साइड, एक लॉन्ग साइड और पर्ल जो पल्लू हैं उसके साइड पर ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कटवर्क नहीं है इस तरह से। ये एक सेकेंड लॉन्ग साइड है और ये पल्लू हैं। अच्छा, पल्लू पर एक पतली लेस है जो कि स्कैलप वाली है, बट छोटी सी लेस है, आई थिंक ये सिलाई के साथ लगी है, राइट। सो ये जो है इसमें भी बहुत करीब एम्बेलिशमेंट्स हुई हैं, तो ओवरऑल ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस हो गया, और सब वेट भी बहुत अच्छा हो गया। तो बटे के वन साइड पर जो है वो कटवर्क बॉर्डर है, और इसके पर्ल्स बहुत ही करीब लगे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस, और बस कलर ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। वैसे तो होता है पिक्चर्स में फ़र्क, बट ये कि लोग पिंक एक्सपेक्ट करके ले रहे हैं और ये मूव कलर निकल रहा है। सो दैट्स इट, अदरवाइज इट्स अ नाइस ड्रेस, और दोनों स्टाइल में हमने स्टिच किया है। अभी तो लहंगा स्टाइल स्टिच किया, इससे पहले लॉन्ग ड्रेस भी स्टिच किया था, दोनों स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई लाइक इट। होप यू लाइक द वीडियो, अगर इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।